तो लो भी भाइयों आपके लिए लेकर आया, देखो ये डैशहाउंड का पपी। भाई एज कितनी है इसकी अभी? 3 महीने। तो भाइयों आपको कई बार नहीं पता लगता कि आपने इसको कौन सी वैक्सीनेशन लगवानी है, ठीक है जी। पहले तो ये कि अगर आपने पेट ले लिया है, ठीक है, उसका ख्याल कैसे रखना है, कैसे ध्यान रखना है, उसके पहले वैक्सीनेशन कौन सी लगेगी, डीवॉर्मिंग कब करनी है। भाई जिसके पास भी आप जाते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उससे इसकी मेडिकल ये पासबुक बनवानी है, ठीक है जी। कोई कंपनी की हो वो खुद ही आपको बना के देगा, जो भी आपके पास जिसके वेटरनरी के पास आप जाओगे ना वो ऐसी पासबुक बना के देगा। इसमें सब कुछ मेंशन है, ये डॉग का नाम लिखा जाएगा, कितनी एज है, सारा कुछ मेंशन है। तो अभी तो आपको ब्लर दिख रहा होगा, हाँ ये देखिए ये प्रॉपर इसमें मेंशन होगा, इन्होंने भरा नहीं है। इसका नाम क्या है वैसे? चेरी। तो भाई का एज इसकी कितनी थी? 3 मंथ। चेरी नाम है प्रॉपर इसके, ये देखो डेट ऑफ मंथ मेंशन है, मेल है। इसकी फोटो भी ग्राफ भी लगा सकते हो अगर आपके पास मेंशन है। और बाकी आप इसके ये देखिए पूरा डाटा, ये देखिए ऐसे मेंशन होना चाहिए प्रॉपर। अगर आप प्रॉपर पेट केयर करना करना चाहते हो ना, ध्यान रखना चाहते हो, तो ऐसे प्रॉपर वैक्सीनेशन की स्लिपें ऐसे लगवानी है आपने। कौन सी वैक्सीनेशन कब लगी है, ये डेट मेंशन है, जब वैक्सीनेशन लगी थी क्या वेट था, ये क्या वेट था, अगली वैक्सीनेशन पे क्या वेट था, डीवॉर्मिंग कब की थी वो कब आपने मेंशन करनी है, क्योंकि डीवॉर्मिंग का भी एक अलग से चार्ट होता है। ये देखिए ये डीवॉर्मिंग रिकॉर्ड होता है, तो आपने इसकी प्रॉपर ऐसे, ये देखिए 19 तारीख को हुई थी डीवॉर्मिंग, तब क्या वेट था, कितने ml दी, ये सारा मेंशन है। तो भाई जो भी आपने डॉग लेना है ना, मतलब कोई भी डॉग लेना है, अगर छोटा डॉग भी लेना है बड़ा डॉग भी लेना है, तो भाई ऐसी पासबुक होनी चाहिए, ऐसी बनवानी चाहिए। ये डाटा मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों कर रहे हैं सर, सही बोला मैंने? वैक्सीनेशन के कार्ड के बिना ना आपको मालूम ही नहीं है कि कब टीका कौन सा दिया। मान लीजिए आपका डॉग है, आपको किसी और को भेजना पड़ा डॉक्टर साहब के पास, या मान लीजिए अगले साल आप कहीं बाहर हो, आप किसी और डॉक्टर के साथ के पास लेकर गए ये डॉग को, तो इससे डॉग की पूरी हिस्ट्री मालूम पड़ जाती है, कब डिवॉर्मिंग कौन सी यूज की, किस कंपनी का सॉल्ट यूज किया, वैक्सीनेशन कौन सी कंपनी का लगाया, किस डेट को लगाया, कौन सा नेक्स्ट ड्यू है। तो वैक्सीनेशन कार्ड इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि भाई आपके लिए पासपोर्ट। तो भाई वही है, ये चीजें जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डॉग ले तो लेते हो बट इन चीजों का ध्यान ही रखते, भाई कुछ नहीं लगता, ये फ्री मिलती है आपको, आप जिससे भी लगवाओ कोई वेटनरी आपको मना नहीं करेगा, ये जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भाइयों इन चीजों का ध्यान रखिए, जिससे आपका डॉग, अगर आपके डॉग को कल भगवान ना करे कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो भाई ये चीजें ना बहुत ही जरूरी काम आएगी। ऐड करनी भूल गया, हाँ जी। पीछे कॉलम होता है टिक्स एंड फ्लाइज ट्रीटमेंट। वेट सर, ब्लर हुआ है, अब ठीक है? ये मेंशन है, ये देखिए मेंशन है, कौन सी दवाई डाली गई, कितने डेट डाली गई, लगभग 3 महीने तक ये काम करेगी। ऐसे ही 3 कॉलम होते हैं, टिक्स का, डिवॉर्मिंग रिकॉर्ड का, एंड कह लो कि वैक्सीनेशन का। ये देखिए लो। तो बाकी आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर बढ़िया लगी, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और अपने भाइयों को ये टैग करिए। थैंक यू। भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। एंड ट्रिपल www भोलाशोला.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर।